जो पुलिस वाले कल आए थे रात में, उसकी आप क्या कहेंगी? आपने मुंह खुला कर रख भाई, चोरी से आता है ये बताइए, कोई चोरी से आता है रात में? कौन नापता है? कोई कुछ करता है? नहीं ना करता है, ये तो गलत तो सोने के लिए होती है, वो ऑफ रहता है हर किसी का। बताइए एक बार शोर किया गया कि नहीं 10 बजे आ रहे हैं, हम लोग आए भाग के, फिर वापस गए, फिर पता चला कि नहीं सुबह में आएंगे, फिर रात में आए, वो भी सिटकी नहीं लगा दी। बताइए कोई रात में आता है? पहले आए तो उसके बाद हर घर में जाकर के पहले सिटकी नहीं लगाए, उसके बाद आगे कार्रवाई की? बात कार्रवाई हुई, वो भी यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, बिना यूनिफॉर्म के आए थे वो। अच्छा, बिना यूनिफॉर्म के आए थे, और जो भी मार पीटी किए हैं उसके लिए तो FIR दर्ज भी हो सकता है उनके खिलाफ। अभी हम भी गलत बोल दे कि नहीं हमारे साथ गलत किए, उसके खिलाफ भी हो सकता है ना। रात में कौन आता है? कोई आता है तब ये कोई कहने वाली बात है? हाँ, चोर चोर कोई कहता है, चोरी आता है, चोरी। कानून के रखवाले हैं लोग, यही लोग ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा? हाँ, देश की सुरक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा करने वाले हैं ये लोग, ऐसे रात में करेंगे तो और जनता करेगी, तो इसमें उन लोगों की गलती है नहीं है? हाँ, बस एक ही बात है, जान देंगे मगर गांव नहीं देंगे, एयरपोर्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, इनसे भी हम पूछेंगे जो एयरपोर्ट के बारे में, तो आप क्या चाहती है एयरपोर्ट के बारे में? हम लोग की अपना घर चाहिए, अपना खेती बाड़ी चाहिए, हम लोग यहाँ सेट नहीं सकते। आप क्या चाहती है? हम लोगों ने अपन खेतों में चाहते हैं, घर द्वार चाहते हैं। तो सब लोग अपना खेती घर चाहते होंगे? नहीं, हम लोग कोर्ट नहीं चाहिए, हमारा घर द्वार नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और किसी को देखे आप क्या कहेंगी एयरपोर्ट को लेकर? नहीं, हमको अपना मकान चाहिए, अपना खेती चाहिए, हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ पर जितनी भी औरतें बैठी हैं सबका एक ही कहना है, और भी हम लोग आकर के बात करेंगे। हमें भैया अपन खेती चाहिए, अपन घर द्वार चाहिए, हम लोग के ना चाहिए, हम लोग कुल ना चाहिए, पोस्ट ना चाहिए, यहाँ हर कोई एक ही बात बोल रहा है। चलिए हम लड़कियों से बात करते हैं जो यहाँ की लड़कियाँ होंगी, आप बताएं, आपसे बात। हमको अपना खेती चाहिए, अपना घर चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको खेती घर चाहिए और कुछ नहीं, घर द्वार और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ घर चाहिए, अपना खेती चाहिए, एयरपोर्ट नहीं चाहिए हमको। नहीं नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका एक ही कहना है कि इनको सिर्फ अपना घर चाहिए, इनको एयरपोर्ट नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पर और भी कार्यक्रम होने वाला है, उसको भी हम देखेंगे क्या क्या होगा यहाँ पर। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो VIP टाइप लग रहे हैं, वहाँ पर देखो नेता टाइप के लोग बैठे टोपी लगा करके, उधर भी हम लोग चलते हैं अभी, और सब लोग एक ही बात यहाँ पर बोल रहा है। तो अच्छा, सब लोग एक ही सुर में एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना घर और खेत चाहिए। एयरपोर्ट बन रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हमार जायदाद या जब फसल जाती हो तो हम जाय ना दे, चाहे जान रही चाहे जान जाई। अच्छा, हाँ जान दे देबू तो हाँ। का मिली एयरपोर्ट तब तो चल तब बनी, कैसे तब बने? जान देवे कौनो कौनो समस्या का समाधान है? वह समाधान है कि ये हर कुल लेत हूँ कहे जहाँ पुन्ना उठा भय लाल सर्वे वहाँ कहे लोग छोड़ी रह। हाँ, हमारा ना चाहिए, पुरनका वाले बने तो ठीक हो, कत्तो मत बने, कौन जरूरत है, कहाँ रोज हवाई जहाज उतर रही है? सही बोलिए, कहीं ना बने। हम तो यही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जितने भी है उतने ही बने, क्योंकि हम लोग के पास नए आदमी हमारे मर गए नहीं है, और बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सब कहाँ जाए, खेत और घर चला जाएगा तो कौन गुजारा करेगा? है? अच्छा ठीक है, ये कुछ और है, क्या देगे जो भी क्या देगे, घर ले लेंगे, खेती बाड़ी छीन लेंगे, और आदमी भी नहीं है तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे? एक चीज और बता रहे हैं कि आप औरत है घर की, और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से पुरुष बाहरी चीजें देखते हैं, घर की औरतें जो घर का देखती ऐसे है कि रात रात की पुलिस आती है। हाँ। अगर औरतें नहीं करती है, आदमी नहीं करते तो उनको डंडे से मारते हैं, तो ये बताओ ये आदमी है कि हमारी इज्जत नहीं है? ये लोग बाप की संपत्ति है, पुरखे पुरनिया की संपत्ति है, हम लोग तो इसी सहारे जीते हैं ना, कि अगर हमारी खेती रहेगी तो हम करके खा लेंगे, आदमी नहीं रहेगा तब भी हम गुजारा करके खा, नमक रोटी खा लेंगे, और ये सब चला जाएगा हम लोग कहाँ जाएंगे? आदमी भी नहीं है, कुछ के सहारे पे जाएंगे, कमा लेंगे उसके। सही कहा आपने। और दूसरी चीज जो है कि अगर कहीं से विस्थापन होता है तो समस्याएं घर की औरतें ही देखती हैं। नहीं चाहिए, बस उतना ही मैंने कहा कि अगर कहीं विस्थापन भी होता है तो घर की औरतें ज्यादा रहती है, समझदार की, उनको पता होता है
क्या क्या कमी आती है? अगर हमारे पास आदमी नहीं है, बच्चे हमारे स्कूल में छोटे छोटे, अगर पड़ोसी कोई आदमी साथ दे दे उसको लट से पुलिस वाले मारे, सब लोग मारेंगे। रात में आए थे और हाथ में मारे हैं, दो आदमी को मारे हैं, ये बताइए औरत अकेली कहाँ जाएगी बाहर? है तो ऐसा है, बुढ़े जवान सबको पीट रही है पुलिस। कल रात में धोखे से, कल रात में धोखे से नाप हुई पंडिताना में रात में, जो कि ऐसे एयरपोर्ट ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए हम लोग को, जो कि उजाड़ दी इतनी जनता है, कहाँ जाएगी हमारी जनता? हमारी जनता कहाँ जाएगी? खेत भी ले रहे हैं लोग, खेत ले ले कोई। आप योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से ही कहना चाहिए हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसी विकास चाहिए ही नहीं। हम लोग अपनी खेती करेंगे और हम लोग जैसे मंडी में है अपने घर में गुजारा कर लेंगे, और हमें नहीं चाहिए। रात में जानती हैं, रात में लोग आए नापने के लिए, 10-12 पुलिस थे, हम निकले बोले उनको भैया रात को क्यों नपा रहे हैं, मेरी उम्र हुई इतनी, आज तक हम ऐसी नपाई नहीं देखे। तो वो बोले कि पीछे देखिए, तो पीछे और पुलिस थे, तो हम देखे, ऐसा बोले कि पीछे देखिए, आप पीछे देखिए क्या चाहती हैं, हम कहे क्या करेंगे, पीछे क्या देखें, अगर ये बताइए आपके घर ये होता तो आप क्या करते हैं, और पीछे हमको कह रहे हैं पलट के देखे तो क्या हमको मारेंगे ये लोग? नहीं नहीं, धमकी भी दे रही है पुलिस कि अगर सो नहीं जाएंगे, देखते रहेंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, इनकाउंटर करने के बाद जान चली जाएगी। इनकाउंटर की धमकी के साथ हो नपवाई कर रहे हैं, जितने मर्द जाग रहे थे उतने मर्द मजबूर हो गए आंख बंद करने के। खड़े थे हमारे आदमी लोग, लेकिन कोई बोल नहीं पाया, हमारे आदमी को बताने लगे कि इतना वायर मिलेगा, पैसा ये मिलेगा, बताइए कोई तरीका है? रात के नापने का मतलब क्या है? क्या बोलिए आप, बोलिए बताइए। ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी नाथी जितावल गए हैं कि सब लोग को उजाड़ दो पूरा। मोदी योगी और ये नीरव, नीरव तो बात ही खत्म कर दूंगा। नहीं, अगर ये नहीं होते तो हो सकता है आजमगढ़ का इस तरह विकास ना हो, क्योंकि क्योंकि इसके पहले तो सपा का गढ़ था, भाजपा ने सेंध मारी है, तो कुछ विकास करना चाहिए। सब जा रहे हैं, जर जमीन चली जा रहे हैं, जनता क्यों को भी ले जाओ, जहर खिला दो सबको, लेके घोर घोर के पिला दो, दो चार पंप फिट करें और सारी जनता को उड़ा दें, अच्छा आराम से अपना एयरपोर्ट बनाए, कोई जो है कि यहाँ विरोध करने के लिए नहीं। थे ना 18 महीना में, नीरव जी गए थे 18 महीना में 18 काम करेंगे, तो क्या यही काम पहले आया? जाड़ने वाला काम कर रहे हैं, जाड़ने वाला यही काम उनको सुझा है कि पूरा जनता दुखी हो जाए, दोबारा पाएंगे वोट? कोई नहीं पाएगा। एक चीज और है कि अभी तक सपा का गढ़ था तो लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, उसमें और इस जो सेंध मारी है भाजपा ने, इसमें आपको कितना अंतर लग रहा है? ये विकास क्या हो रहा है? सबकी खेती बाड़ी चली जा रही है, जनता के साथ धोखा हो रही है, जनता को यहाँ से बेघर किया जा रहा है, बिना खेत बिना घर का वो कहाँ रहेंगे? जिसके पास नोटिस भी नहीं दिए, कोई सूचना नहीं, अकस्मात ये क्या है? रात का नपाना चोरे जैसी काम हो रहा है, ये कोई तरीका है? और दिन में भी तो आने वाले थे, नहीं आए, नहीं आए, धोखाधड़ी है, धोखा करेंगे, रात को आएंगे धोखा, आज भी रात भी आ सकते हैं, रात में आ सकते हैं धोखा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए बहुत ही अच्छा बात करी हमने, और इधर में आके देखते हैं कौन बात करता हमसे। हम लोगों को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, जब खेत नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे एयरपोर्ट लेकर? हम लोगों को नहीं चाहिए। अरे कोई विकास वाली बात होती तो कुछ बनता, हम लोग क्या करेंगे? टेम्पो विकास वाली बात होता तो कुछ बनता, तो इसके विकास से नहीं, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। एयरपोर्ट ने कहा कि विकास वाली कुछ बात होती तो कुछ हेल्प करते, क्या कोई कंपनी खुलती, सारे लोग लग जाते जो इधर उधर बच्चे पड़े हैं, तो कुछ बनता? एयरपोर्ट पर हम लोग देहाती आदमी क्या लेकर करेंगे? गरीब है, यहाँ की जनता इतनी गरीब है, एयरपोर्ट बनाना चाहिए, जो खाली जगह है वहाँ पे करना चाहिए ना, यहाँ की जनता, अब जहाँ जनता है वहाँ पे नहीं करना, एक गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निहायत गरीब जनता है, निहायत गरीब जनता। हम लोग तो टेम्पो का किराया दे नहीं पाते हैं, तो एयरपोर्ट हवाई जहाज पर कैसे उड़ेंगे, बताइए आप ही बताइए, क्या हम गलत कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, एक बच्चों को हम लोग खिला जिला नहीं पाते हैं, तो हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे, बताइए आप लोग, बताइए, हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए। सही कहा आपने। और भी देखिए वहाँ पे कुछ लड़कियाँ लड़कियों से बात करते हैं, आप लोग युवा है तो बताएं कि जो एयरपोर्ट बन रहा है उस पे आप क्या कहेंगे? हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमको हमारा गांव चाहिए, सही बात तो यही है, हमको हमारा घर ही चाहिए, जन्मभूमि चाहिए, हमारे पास एक ही बित्ता है, जो भी है हम उसी में खुश है, हमको कुछ नहीं चाहिए। एयरपोर्ट लेकर के हम लोग जाएंगे कहाँ, सभी लोग है,
हम लोग हैं, मम्मी पापा सभी लोग, सब लोग इकट्ठा कहाँ जाएंगे, गांव घर है, समाज है पूरा। एक दो लोगों की बात होती तो उसमें होता कुछ कि कहीं भी वो एडजस्ट हो जाएंगे, अब पूरी समाज की बात है, पूरी जनता। यही बात बोला मैंने कि शहर के जो विस्थापन होता है और गांव के विस्थापन में, आप वो मुद्दे पे आई है तो पूछ रही हूँ कि कितना अंतर हो सकता है। जैसे गांव का लोग कितने लोग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है, और शहर में लगभग सिंगल होता है, तो वहां से घर बदलना, रूम रेंट पर ले लिया हो गया, लेकिन गाँव के लोग ज्वाइंट फैमिली में किस तरह से करेंगे, इसकी आप क्या कहेंगे, कैसे होता है ज्वाइंट फैमिली? वही तो, कहीं एडजस्ट करें वो पैसा, पहले जो रखी थी अपने, जैसे मतलब जो भी करके घर में रखी थी अपना, लगा के अपना मकान बनवाई, वो भी सब चला जाएगा। मकान के अलावा घर और सब भी चला जा रहा है, जमीन भी जा रही है, कहाँ सब लोग जाएंगे? इतना मुआवजा दें, नहीं फिर भी मुआवजा नहीं चाहिए हम लोगों को अपना जमीन चाहिए, एयरपोर्ट नहीं चाहिए हम लोगों को। और अगर बीच का रास्ता कुछ निकालना हुआ तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? बीच कर किसी का कुछ रास्ता नहीं चाहिए हम लोगों को, बस एयरपोर्ट चाहिए। आप क्या बोलिए? आप कुछ ना चाहिए, जो ना अपन हमारे लोगों के धरती माता चाहिए। हम लोग इतना गरीब मनाई है, हम लोग कहाँ ने देश में जाके मजूरी करा वाला है, मजूरा मनाई है, माटी दूर लेके कहाँ भी जा सकत, अपने बच्चा लेके कहाँ जा सकत है, कहाँ हम लोग मजूरा आदमी है, कौने देश में जा, कहाँ कौने गाँव जा, हम लोग का देश गांव उजरा था, हम लोग गरीब मने, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ। ऐसा ना होगा कि हम लोग गरीब माटी धूरी में कमाए खाए वाला, हम लड़का बच्चा लेके कहाँ जाब राती से, चिंता के माले भू खाना ना खैनी ओंघाई नीत ना लगत है, लड़का बच्चा झीन झीन हमें कहाँ कहाँ माई तू लेके जेबू, हमने के लड़का ऐसा सूती रहना, नतनी हमारे के सूती रहल, कहला माई कहाँ लेके जेबू, कहनी बहनी कहाँ जाए लेके, हम लोग गरीब मनई है, कमात खात है माटी धूरी में, अपने धरती पर कहाँ छोड़ के जाए पुलिन, हमने खवाई पट्टी ऐसा है ना चाही, हमने अपने मरइये में रहल चाहत है, हवाई पट्टी ना चाही, अपन मन वही में कमाई खाए के बिताई देवे कुन्हीं। तो ये हमने करी यहाँ से, यहाँ की औरतों से बातें, जो यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, इन लोगों से हमने बात करी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या करना है इस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। शुक्रिया।